भूतिया भाभी कहानी है जलगांव की। जलगांव में दो भाई और एक बहन रहते थे। आकाश सबसे बड़ा था। नौकरी करके भाई बहन की जिम्मेदारियां उठाता था। भैया मेरा डोसा। भैया मेरी फेवरेट दाल खिचड़ी। अरे हाँ भाई हाँ ला रहा हूँ। आकाश सबका मनपसंद खाना टेबल पर ले आया। भैया खाना बनाने में इतना टाइम, किसके बारे में सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट थी। वही तो, आपको आजकल कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, खाओ खाना चुपचाप। भैया हमें पता है आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन आप कब तक हमारे लिए बिना शादी के रहोगे? आपको भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। हाँ भैया, घर में भाभी आएगी तो मजा आ जाएगा। जॉब लगते ही मैं भी शादी कर लूंगा, फिर हम मुन्नी को उसके ससुराल भेज देंगे और दोनों भाई मजे से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। अगर ऐसा है तो इस घर में कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर आकाश और विकास जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन मुन्नी अकेली घर में बैठी थी, तभी एक लड़की उससे मिलने आई। मेरा नाम श्वेता है, मैं तुम्हारे भैया के ऑफिस में उनके साथ काम करती हूँ। ओह, लेकिन भैया तो ऑफिस में ही हैं। पता है मुझे, मैं तो ऑफिस से यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ मुन्नी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो गई। डोंट वरी भाभी, भैया को पटाना मुझे अच्छी तरह से आता है। शाम के समय विकास और मुन्नी काफी एक्साइटेड होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। आकाश आया, लेकिन आकाश के साथ एक और लड़की थी जिसके गले में शादी की माला और मांग में सिंदूर था। भैया कौन है ये? अरे भाभी चाहिए थी ना तुम लोगों को, देखो ले आया। व्हाट? भैया ये मजाक तो नहीं? मुन्नी इसका नाम विमला है, ये हमारे दूर के मामा की बेटी है। दोनों शहर से आ रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया और मामा चल बसे। बेचारी जख्मी हालात में काफी दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। आज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सरकारी अस्पताल गया तो वहां मिली मुझे ये। अब इस बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे शादी करके अपने घर ले आया। मुन्नी ने विमला को देखा। विमला काफी खूबसूरत और मासूम थी। आपके साथ जो भी हुआ भूल जाओ भाभी, आज से आप हमारे साथ नई जिंदगी शुरू करो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। विमला को आए दो दिनों से ऊपर हो गया था, फिर भी वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा काम आकाश विकास और मुन्नी को ही करना पड़ता था। मैंने तुम तीनों का खाना बनाकर रखा है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाभी कहाँ है? मुन्नी प्लीज अपनी भाभी को कुछ मत कहो, सोने दो उसे। आकाश भैया के जाते ही विमला नीचे आई। भाभी आपको शर्म नहीं आती? इस पर विमला अजीब आवाज में चीखी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ ना दे ऐ लड़की। फिर विमला डाइनिंग पर बैठ गई और देखते ही देखते सारा लंच अकेले चट कर गई। विकास और मुन्नी फटी आंखों से देख रहे थे। दोपहर को आकाश के कमरे से धुआं आने लगा। विकास और मुन्नी कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाभी भाभी दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो अंदर? भाभी 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 आग लगी है कमरे में, दरवाजा खोलो भाभी। दरवाजा तोड़ो भैया, भैया दरवाजा तोड़ दो। विकास ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक गई। अंदर एक होम जल रहा था जिसके सामने विमला और आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया को विमला ने वश किया था। विमला काफी भयानक दिख रही थी। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम स्वाहा। भाभी क्या है ये? भैया आप तो ऑफिस में थे ना? विमला ने आकाश और मुन्नी की तरफ देखा। आकाश सिर्फ मेरा है,
मैं तुम दोनों से उसे छीनने आई हूँ, छीन कर रहूंगी। मुन्नी और विकास समझ गए कि जो कुछ हो रहा है काफी भयानक है। उन्होंने विमला को रोकना चाहा, तो विमला ने दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुन्नी, श्वेता को कॉल करो, वही अब आकाश भैया को बचा सकती है। उसे किस मुंह से कॉल करो, बेचारी तो सदमे में होगी। तुम बस कॉल करो। मुन्नी ने मोबाइल निकाल कर श्वेता को कॉल किया। इधर कमरे में विमला भूतनी बनकर आकाश के साथ तांडव कर रही थी। आकाश को नोच रही थी, पीट रही थी। आकाश जोर जोर से हंस रहा था। अपने भाई बहन को मारेगा ना, मेरे साथ चलेगा ना। जा, जा, मार अपने भाई बहन को, जा मार उन्हें। आकाश विमला के वश में था। विकास और मुन्नी को मारने के लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर श्वेता खड़ी थी। उसके हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट के प्रभाव से आकाश वहीं बेहोश हो गया। मुन्नी, आकाश को संभालो, मैं विमला को देखती हूँ। श्वेता को देखकर विमला गुस्सा हो गई और श्वेता पर टूट पड़ी, लेकिन लॉकेट की वजह से वो श्वेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लौट कर दोबारा आऊंगी। ऐसा कहकर विमला खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद आकाश को होश आया। होश में आते ही आकाश श्वेता के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो श्वेता, मैं उस भूतनी के वश में हो गया था। डोंट वरी आकाश, मैं सब जानती हूँ। मुन्नी, विमला तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली और फिर भूतनी बनकर लौट आई। वो आकाश को पाना चाहती थी, इसीलिए उसे वश करके उसने उससे शादी कर ली। अब तो वो चली गई, लेकिन वो दोबारा भी तो आ सकती है। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी ये भाभी, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देगी। प्रॉमिस। ये सुनकर मुन्नी श्वेता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। श्रापित भूतनी। एक घना जंगल था। जंगल में रुदाली नाम की एक भूतनी कांटों के पेड़ से लटक रही थी और उसके सर में पेड़ का बड़ा सा कांटा अटका था। कांटे की चुभन से भूतनी दिन रात चीखती, चिल्लाती, रोती रहती और मुक्ति की याचना करती। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। नहीं, तू मुझे मार देगी। नहीं मारूंगी। आदमी मदद करने के लिए करीब जाता है तो रुदाली उसे उठा लेती और खा जाती। जो मदद नहीं करता और भाग जाता, उसे भी वो लंबे हाथों से अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। फिर दिन रात रोती रहती। उस जंगल में एक दिन विक्रम नाम का फॉरेस्ट ऑफिसर सैर करने निकलता है। ये रो कौन रहा है? रुदाली नाम की भूतनी है साहब, ध्यान मत दीजिए, उसकी आवाज में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम रुदाली के पास पहुंचता है। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी सहकारी आगे नहीं बढ़ता तो विक्रम खुद पेड़ के पास जाकर रुदाली के सिर का कांटा निकालता है। रुदाली की चीख आसमान में गूंजती है और रुदाली अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाती है। सौंदर्य देखकर विक्रम मोहित हो जाता है। मुझसे विवाह करोगी? आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपकी ही हूँ। बस मेरी 2 शर्तें हैं, रात में भूतनी और दिन में सौंदर्यवती बनकर जीऊंगी और पहले 4 बच्चों को जन्म देते ही खा जाऊंगी। कबूल है? विक्रम रुदाली के सौंदर्य में खोकर शर्तें मान लेता है और रुदाली से विवाह कर लेता है। दिन में रुदाली सौंदर्यवती बनकर जीती तो रात में भयंकर भूतनी बन जाती। एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आते हैं। क्या बहू पाई है मैंने, स्वर्ग की अप्सरा है कोई। अब तो भाई हम बहू से सेवा सम्मान पाकर ही घर लौटेंगे।
दिन भर रुदाली सास ससुर की सेवा तो करती, पर जब रात होती है, बहू जरा मेरे पैर तो दबा। रुदाली आती है और सास का गला दबा देती है। छोड़ छोड़ मुझे डायन, छोड़। छोड़ बहू, छोड़ उसे। विक्रम आता है। छोड़ो रुदाली, माँ है वो मेरी। रुदाली सास को छोड़ देती है। धोखे बस, बहू की जगह डायन ले आया। अब या तो इस घर में हम रहेंगे या वो डायन। पापा मैं मजबूर हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो आज से तू हमारे लिए मर गई। विक्रम के माता पिता गुस्सा होकर निकल जाते हैं। ये क्या किया तूने? भूत हूँ तो और कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन अचानक रुदाली उल्टियाँ करने लगी। रुदाली तुम ठीक तो हो? तू बाप बनने वाला है विक्रम। बाप बनने की खुशी में विक्रम रुदाली की दूसरी शर्त भूल जाता है और दिन रात रुदाली का ख्याल रखने लगता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है। मुबारक हो, विक्रम बाबू लड़का हुआ है। विक्रम भागता हुआ कमरे में आता है तो देखता है रुदाली बच्चे को खा रही है। जरा इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ? विक्रम गुस्सा हो जाता है। तू भी जरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बाप को अपने बेटे से मिलने तो देती। तू माँ है या डायन? विक्रम रोने लगता है। मैं डायन ही हूँ विक्रम, ये एक बच्चा था, अभी 3 और बाकी हैं। अब विक्रम को पछतावा होने लगता है। दर्द बांटने वो अपने पंडित दोस्त के पास आता है। मैं क्या करूँ पंडित, गलती मेरी है। मैं मोह में आकर उसकी सारी शर्तें मान बैठा। माँ, बाप, दोस्त और अपना खुद का बच्चा, सबको खो बैठा। रुदाली को छोड़ दे। यही तो दिक्कत है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। फिर एक बार वो घड़ी आ जाती है जिससे विक्रम और टूट जाता है। लड़की हुई है लड़की। लेकिन इस बार विक्रम कमरे में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद रुदाली बाहर आती है। बेटी बहुत प्यारी थी। तू के जले पर नमक छिड़कने आई है? नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि अब सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। हंसते हुए रुदाली चली जाती है। विक्रम पछतावे की आग में और जलने लगता है। शराब पीता है, कभी कभी तो घर ही नहीं आता, ऑफिस में ही सो जाता है। इधर रुदाली फिर एक लड़के को जन्म देती है और उसे खा जाती है। 1 साल बाद फिर एक लड़की को जन्म देती है और उसे भी खा जाती है। इस प्रकार रुदाली 2 लड़के और 2 लड़कियों को खा जाती है। एक रात विक्रम घर लौटता है तो देखता है घर फूलों से सजाया था, दिए जल रहे थे, माहौल प्रसन्न था। रुदाली आती है, उसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। रुदाली अभी तो रात है, फिर भी तुम अभी तक भूत नहीं बनी हो, यह सजावट क्या बात है रुदाली? मैं आज श्राप से मुक्त हो गई विक्रम, अब मैं भूत नहीं रही, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 400 साल पहले की बात है, मैं एक राजकुमारी थी, शिकार करने जंगल गई थी, तब मैंने एक शेरनी मादी देखी जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उन्हें खा गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस शेरनी को बाण से घायल कर दिया, तो शेरनी ने मुझे श्राप दिया। तूने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। कन्या, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक भयंकर भूतनी बन जाएगी और कांटे के पेड़ से लटक कर तड़पती रहेगी। मैं डर गई, मैंने क्षमा याचना की, शेरनी को दया आ गई। अनजाने में ही सही, पर भूल तो हुई है तुमसे। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर एक उपाय है, किसी ने तुम्हें मुक्त कर दिया और तुमसे शादी की तो तुम्हें तुम्हारे ही जने पहले 4 बच्चे निगलने होंगे, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं 400 साल पेड़ के कांटे से लटक कर तड़पती रही, तुमने मुझे मुक्त कर दिया
और अगले ही जने 4 बच्चे खाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं हम विक्रम। विक्रम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और रुदाली को गले लगा लेता है। भूतिया डाकिया, ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है, लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीर कर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है, कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी, तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से, भगवान मुझे दुआ देगा, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे, इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या, हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है, रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो, मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला।
यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा, पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के जंगल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाक आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है, डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है, और देख तुमसे पहले मैं यहाँ पहुंच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है, तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, हाय, कहाँ फंस गई मैं? निकालो मुझे बाहर, ये तो उस मकान से भी छोटा है। हाँ। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है।